आप थोड़ी बात कर ले, वो भी अच्छा। रेडी जी, बिस्मिल्लाह रहीम। आज मुस्लिम लीग की मरकजी क्यादत का एक इजलास यहाँ मुनक्द हुआ जो 6 घंटे से ज़्यादा जारी रहा। इसमें मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। उसके अलावा तमाम सूबाई सदूर भी इस इजलास में मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब भी थे और दीगर मरकजी कायदीन ने भी इसमें शिरकत की। इस इजलास में जो PDM की लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का मौकफ है इस बयानिए के बारे में, जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसके बारे में, 10 का के इलेक्शन के बारे में और दीगर मामलात ज़ेरे बहस आए, तो मैं मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो इन मामलात की जो तफसीलात ज़ेरे बहस आई हैं वो आपके सामने रखें। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू शेख खाकान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इंतज़ार किया। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि मीटिंग बहुत लंबी थी, 6 घंटे से ज़ायद, 2 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और अब क्या टाइम हो रहा है, अब 8 बज रहे हैं, तो तकरीबन 6 घंटे की मीटिंग थी। और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से इसको मीटिंग को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और पंजाब के दीगर क़यादत, क्योंकि आज बिलावल साहब को हमज़ा के साथ उनका मीटिंग थी तो वो नहीं आ सके, तो राना सनाउल्लाह साहब, हमज़ा साहब और पंजाब की दीगर क़यादत जो थी वो उन्होंने बिलावल साहब की मीटिंग को ख़त्म होने के बाद हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया यहाँ पर जूम पे। इसके अलावा पार्टी की सारी जो तमाम सीनियर क़यादत थी वो या यहाँ पर फिज़िकली मौजूद थी या जूम पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हुई, जिसमें सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च पे डिस्कशन हुई, 10 का के बाय इलेक्शन पे डिस्कशन हुई और जो कराची में एक सीट वेकेंट हुई है NA 249,
उस पे बाय इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन हुई, उसके कैंडिडेट पे डिस्कशन हुई और इसके अलावा और कुछ मैं मिस आउट तो नहीं कर रही जिस पे हुई? दस्का। जी दस्का पे हुई। इसके अलावा जो कल पार्टी के लीडरान के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ और मुसद्दिक मलिक साहब के साथ जो कल तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया मीडिया के कैमराज के सामने, उस पर बहुत गुस्से का भी पार्टी के अंदर इजहार किया गया और उस पर भी बात हुई और पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। ये मैं कल भी कह चुकी हूँ। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें, किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। मुझे पर्सनली, मैंने इसको लिया है जिस तरह आपने मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर शाहिद खाकान अब्बासी पे अटैक किया, जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब पे अटैक किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की बेटी मरियम औरंगजेब पे अटैक किया, जिस तरह आपने सेनेटर मुसद्दिक मलिक पे अटैक किया, ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप दो थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ जो कल बदमाशी की गई, खसूसन मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, वो हर मुस्लिम लीगी पर, हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानती है। और आखिर में जो ये भी बहुत हमारी जो एतमाद का जाली वोट लेने के बाद जो सूरत हाल पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बना है, पॉलिटिकल सूरत हाल बनी है, उस पर भी बहुत तफसील के साथ बातचीत हुई, चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बातचीत हुई और उसमें सबका ये कंसेंसस था कि जिस तरह से कल धौंस और जबर और गुंडागर्दी से कल एतमाद का वोट लिया गया पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, जिस तरह कल एतमाद का ज़बरदस्ती गर्दनों पर, अपने ही अराकीन के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया? फैसला बदला नहीं, फैसला तब्दील कराया गया है और जिस मुज़हिका खेज़ अंदाज में वो फ़ैसला तब्दील कराया गया है, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा, कल कहा कि पूरे पार्लियामेंट लॉजिस को आपने बंकर बनाया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान का कोई इलाका है। पूरी रात आप सूली पर लटक कर अपने MNAs गिनते रहे, ड्रोन कैमरा से एक एक MNA की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के ख़िलाफ़ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया हो जबकि वो पावर में हो। आप इमेजिन करें ज़रा, ये हाल है। ये उसके अलावा है जो चारों सूबों से इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद का, आवाम की जानिब से न सिर्फ अदम एतमाद का बल्कि गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है, ये उसके अलावा है। और जिस तरह से इसमें एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह उनकी मदद ली गई, जिस तरह उन्होंने अराकीन को गायब किया, मैं आपको ये बताऊँ कि ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है, इनके MNAs हमसे इन टच हैं, ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 MNAs को जो राज़ी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर,
उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया, वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि इसको तो किसी इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद, ये सिर्फ शिकस्त नहीं है बल्कि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज को आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिले शर्म बात है। क्या एजेंसीज पाकिस्तान में इसीलिए रह गई हैं? क्या यही उनका रोल होगा अब कि जिस शख्स को आवाम धुतकार रही है, जो आवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते हैं? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहाँ है उस शख्स की इज्जत, कहाँ है उस शख्स की गैरत जो कहने को तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है लेकिन एजेंसीज को ये कहता है, एजेंसीज के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से ज़बरदस्ती मुझे वोट ला के दो? इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई अपने आप को झूठी तसल्ली या तिफिल तसल्ली दे रहा है। वो अपने आप को तिफिल तसल्ली भी नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि उसको ये पता है कि उसने किस तरह ये एतमाद का वोट लिया है। उसको ये पता है कि अगर वो अपने ओन पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज के किरदार उसके हेल्प ना करते तो वह बुरी तरह नाकाम होता। लेकिन एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और ना अहल शख्स को, कौम के मुजरिम को बचाना, इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा और इसका जवाब कौम मांगेगी। दूसरा जो इलेक्शन का रिजल्ट, जो जो एतमाद का वोट एजेंसीज को इस्तेमाल करके गर्दनों पर तलवारें रख के अपने ही अराकीन को अगवा करके, अपने ही अराकीन को हबसे बेजा में रख के, अपने ही अराकीन को जिस तरह वो कहते हैं कि इनएक्सेसिबल करके ज़बरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है साफ अल्फाज में, अगर मैं उसको एक सेंटेंस में सम अप कर दूँ, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज अप, यू नो दैट इट इज़ ओवर फॉर यू। दूसरी बात ये कि जो NA 249 है, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री पार्टी के अराकीन भी मौजूद थे और सबकी राय में, जब ये सब ने अपनी अपनी राय दी, उसमें सबका कंसेंसस मिफ्ता इस्माइल साहब पे था और कायदे पाकिस्तान ने, कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद नवाज शरीफ से साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को NA 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अनाउंस किया। तो बाकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है सदर पार्टी के, वो उनकी टिकट जारी करेंगे अभी इंशाल्लाह। तो ये फैसले आज हुए हैं। कोई सवाल आपका? जी बिल्कुल, इस पर बहुत लेंथी डिस्कशन हुई है, हमारी पार्टी का अपना एक मौकफ है और वो इंशाल्लाह ताला कल PDM के जो मीटिंग है उसमें अनाउंस होगा सबके कंसेंसस के साथ। ये भी कल इंशाल्लाह PDM में ये डिस्कस होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, मुस्लिम लीग नून
छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, बड़ी रेस का घोड़ा है। थैंक यू। उनको सवाई एजेंसीज के कोई बात की ना समझ आती है, ना वो एजेंसी से ऊपर या आगे निकल कर कुछ सोच सकते हैं। उनके सारे काम एजेंसीज करती हैं, वो एजेंसीज की ही बलबूते पे आज तक यहाँ बैठे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बदतमीज़ी इन्होंने कल की, मुझे तो वो बहुत वो वक्त याद आ गया जब हमें भाषण दिया करते थे इदारों पे तनकीद का। आपने शायद कल वो प्लैकार्ड्स नहीं देखे जो इनके गुंडों ने और बदमाशों ने उठाए हुए थे उस अहाते में। उसमें इलेक्शन कमिश्नर को नेकेड गालियां लिखी हुई थी। तो आवाम इनका चेहरा देखे, हमने अगर कभी कोई बात की है वो हमने फैसलों पर माने, लेकिन तनकीद की वो हमारा हक है। इदारों पर तनकीद नहीं की, किरदारों पर तनकीद की है, और एक डिसेंट डिसेंसी के बाउंड्स में रहकर, प्रॉपर्टी के बाउंड्स में रहकर हमने तनकीद की है। लेकिन अब आपको पता चला है कि बदतमीज़ किसको कहते हैं, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं, और गुंडागर्दी किसको कहते हैं। ब्लैक कार्ड्स पे ECP के चेयरमैन के ऊपर गालियां लिखी हुई थी। तो क्या अब बाकी इदारों को ये नज़र नहीं आ रहा? और दूसरी बात आपने जब की एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट की कल के इलेक्शन में, तो ये बात मैं आपको बता दूँ, आप इसको मजाक समझे हैं तो ये ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी हैं। कि एक आप ये देखें कि जो ले पालक बेटा है एजेंसीज का, जिसको औलाद कहते हैं, बेटा जो है, जो बेटा बचाओ मुहिम हमने कल देखी, उसको उसके लिए मैदान खाली था, वो अकेला ही दौड़ रहा था, अकेला दौड़ रहा था, रेस में अकेला ही खिलाड़ी था, फिर भी वो नहीं जीत सका, फिर भी उसको सिलेक्टर्स के कंधों पे बिठा के जिताया गया। तो जो इंसान अगर खेल के मैदान में अकेला हो, वो तब भी ना जीत सके, तो ऐसे इंसान को तो शर्म से इक्तदार छोड़ देना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। के पंजाब में क्या आदम एतमाद आप दा रहे हैं, क्योंकि राणा सनौला साहब ने दावा किया कि पंजाब के 23 एमपीए साहब के साथ आपका 23 नहीं बहुत ज्यादा है इससे। तादाद में आपको अभी तो नहीं बताऊंगी। देखिए, जब इस मुल्क में जब जुल्म का आप उसको हद से जब गुजर जाता है तो लोग बोलते हैं, जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बोले, जिस तरह अरशद मलिक साहब बोले, जिस तरह बाकी लोग बोले, इंशाअल्लाह ताला सब बोलेंगे, सब बोलेंगे और बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। बस आखिरी क्वेश्चन प्लीज। एक सेकेंड, बस हो गया। देखें, पंजाब में अगर कोई इंशाअल्लाह अगली हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। शुक्रिया।